Hello my dear students and friends, welcome back. A new video is here for you and I am going to let you know how to make appointments in different situations. Means you may be asking to meet or you agree for a particular date or you want to change the date which you decided earlier to meet, or you were appointed for that particular date but you want to change it. So how to make phrases or sentences in these situations? But this is the topic, means making an appointment or making appointments. So how to make an appointment. This is our topic and we are going to talk about it. So let's take first, you are asking to meet. So first one is asking to meet. So how we can speak like, are you available on 15th of this month? Like, are you available on 15th of this month? So ye hum pooch sakte hain. We can change the color of this. Let's take it. It's not working, I think. No problem. Okay, and you can we meet on 15th this month. You can ask someone to meet like that. Are you available on 15th of this month? Can we meet on 15th of this month? Are you free? Are you free on 15th of this month? Aise bhi aap bol sakte ho. Are you free on that 15th of this month? Okay. Is 15th of this month convenient to you? Convenient for you to meet. आप बना सकते हैं. तो ये था जब आप किसी से मिलने के लिए पूछ रहे हो, है ना. आप किसी डेट के लिए हम तैयार हो जाते हैं. To agree on a date. किसी एक डेट के लिए तैयार हो जाना. इसको कैसे करेंगे आप? इसमें भी आप पूछ सकते हैं किसी, या आप कह सकते हैं यस थर्सडे इज फाइन, यस मंडे इज फाइन, यस मंडे इज ओके, या आपने कहा यस मंडे इज फाइन फॉर मी, मंडे इज फाइन फॉर मी. और कह सकते हैं यस मंडे वुड बी परफेक्ट. तो ये इस तरीके से आप बना सकते हैं. नेक्स्ट हम सजेस्ट करें कोई डिफरेंट डेट. सजेस्टिंग ए डिफरेंट डेट.
सजेस्टिंग अ डिफरेंट डेट, मतलब आप कोई दूसरी डेट सजेस्ट करते हैं, है ना, तो आप कह सकते हैं आई एम अफ्रेड आई कांट बी अवेलेबल ऑन थर्ड. I'm afraid I cannot be available on 6th या 5th, जो भी आप बोलना चाहते हैं. ठीक है ना. What about 6th? यह आपने चेंज करने के लिए, क्योंकि 5 को आप बिजी हैं. I'm afraid I cannot be available on 5th. What about 6th? ओके, या आपने कहा आई एम सॉरी इट्स डिफिकल्ट फॉर मी, डिफिकल्ट फॉर मी टू बी देयर ऑन. Like, फिर what about, वो आप बोल सकते हो what about dash dash. या आपने कहा जैसे I'm busy on 5th, can you make it on 6th, like this. ठीक है. अब सेटिंग, अब नेक्स्ट अपन ले लेते हैं टॉपिक. नेक्स्ट इज सेटिंग अ टाइम. या व्हाट टाइम इज कन्वीनियंट टू यू, जैसे आप कह रहे हो व्हाट टाइम इज कन्वीनियंट. ठीक है ना. या आपने पूछा इज 3 PM गुड फॉर यू, इज 3 PM गुड फॉर यू, है ना, तो ये आप कह सकते हो. या हाउ डज 2 PM sound to you. ठीक है, इस तरीके से बोल सकते. चौथा हम चेंज करें कोई अरेंजमेंट जो पहले से हमारा चेंजिंग अरेंजमेंट. आपने कहा जैसे आपने फोन पे या वैसे बात की, यू नो ऑफ कोर्स वी वर टू मीट, लाइक ऑफ कोर्स, या यू नो वी वर टू मीट ऑन नेक्स्ट फ्राइडे बट आई हैव tell you that. कुछ भी आप बना सकते हैं. You know we were to meet on next Friday, but I have to tell you that I'm busy on that day. That I am busy on that day. So can we meet on Tuesday? Can we meet on Tuesday? इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, है ना.
वन मोर आई टेल यू हियर, एक और एग्जांपल है यहाँ, इसको आप लेट्स मेक इट लिटिल बिगर हियर. I am afraid that I am not going to be able to meet you after all. Can we fix it another time? तो ये मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया, कोशिश की आपको कुछ फ्रेजेस बताने की कि जब हम किसी से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, चेंज कर रहे हैं टाइम को, या टाइम को सेट कर रहे हैं, या कोई डेट को फिक्स कर रहे हैं, या हम किसी बात पे एग्री कर रहे हैं कोई डेट पे टाइम पे, या किसी को अपॉइंटमेंट लेने के लिए हम फोन कर रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से फ्रेजेस हम यूज कर सकते हैं. यू वॉच दैट वीडियो अगेन एंड अगेन टू अंडरस्टैंड इट, एंड प्लीज शेयर दैट वीडियो फॉर अदर्स एंड लाइक इट. एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन माई ईमेल आईडी एंड स्काइप आईडी हियर इन दैट वीडियो. यू मे कॉन्टैक्ट मी टू हैव वन टू वन क्लासेस with me on Skype. Thanks for watching that video. Thank you. ¶¶